नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पे हमारे YouTube चैनल पे आते हैं और मोस्ट पॉपुलर पे आप जैसे पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपके सामने मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिखाई देते हैं। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो हमारा तीसरे मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, कीमत कैसे पता करें एलपीजी सिलेंडर का, उसका वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं और इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आप एलपीजी सिलेंडर का प्राइस कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। आप जो चाहे दोनों में से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आ चुके हैं, और मोबाइल से करें तो डेस्कटॉप मोड कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, myLPG.in आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट नजर आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पे आप ओपन हो जाएंगे, जो आपके सामने यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है myLPG.in। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों कंपनियों का सिलेंडर दिखाई दे रहा है। पहला हमारे पास है यहाँ पे भारत गैस का, दूसरा हमारा HP यानी हिंदुस्तान का, और तीसरा हमारे सामने आ जाता है इंडियन का। तो यहाँ पे तीनों सिलेंडर में से जिसका आप प्राइस चेक करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करके प्राइस चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम चेक करने वाले हैं प्राइस, वो इंडियन का हम प्राइस चेक करने वाले हैं कि इंडियन सिलेंडर का प्राइस कितना है। तो मोस्टली देखा जाए तो इंडियन, HP या भारत, अगर आपके आस पास में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे रेट सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो जिससे आप प्राइस चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, वही सेम प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे इंडियन सिलेंडर पे क्लिक करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे सामने सारे कुछ ऑप्शन नजर आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मिलने वाले नहीं है ज्यादा कुछ। पहले जो ऑप्शन था जो हम वीडियो बनाए थे उसी में यहाँ पे हमारा देखने को मिल जाता था प्राइस चेक करने का, लेकिन इस बार क्या क्या यहाँ से हटा करके वो लॉगिन में डाल दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन कर लेंगे, और नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक करके आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएंगे रजिस्टर का। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं रोबोट नहीं हूँ ये कैप्चा है, यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे यहाँ पे ये टिक लग जाएगा, इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है, पासवर्ड सेट कर लेना है और आपका ये रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आप रजिस्टर कंप्लीट करते हैं पासवर्ड सेट करते हैं तो आपको क्या करना है, लॉगिन पे आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, तो जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और इसके बाद आगे जैसे आप बढ़ेंगे आपको पासवर्ड फिल करना होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे फटाफट अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पे क्लिक करके पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे और आसानी से आप पासवर्ड को क्रिएट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले से मेरा रजिस्टर्ड किया हुआ है तो हम यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं, हमारा पासवर्ड भी हमें मालूम है। यहाँ मैं रोबोट नहीं हूं पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे रोबोट नहीं हूं पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सबमिट का ऑप्शन आगे दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अगले पेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे ओवरव्यू के सामने देख सकते हैं एलपीजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और एलपीजी में से आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे टैरिफ प्राइस लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर देना, आपको सबसे पहले बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उनमें से आपको क्लिक नहीं करना है, टैरिफ प्राइस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारा पेज
खुल जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस दिखाई दे रहा है, सिलेंडर का यहाँ पे लोगो छपा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, ना कि इधर क्लिक करना है। इधर अलग अलग है न्यू कनेक्शन के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, और अलग अलग चार्जेज जो लगते हैं वो सब चीज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्राइस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस लोगो पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज और ओपन हो जाएगा। तो क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जहाँ का प्राइस जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का आपको लेना है, वो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा और उसका रेट करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टेट यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे झारखंड के रहने वाले हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है, तो हम यहाँ पे गिरिडीह सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, आप भी सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने सारे सिलेंडर हैं, जितने प्रकार के सिलेंडर मिलते हैं आपके वहां पे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितने भी मिलते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो हम लोग घरेलू सिलेंडर के लिए जो उपयोग करते हैं वो 14.2 kg का हम लोग सिलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं 860 रुपये 50 पैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये 860 रुपये 50 पैसे ये हमारा गैस सिलेंडर का प्राइस है 14.2 kg का। और आप देख सकते हैं यहाँ भी 14.2 kg सिलेंडर है, उसका भी प्राइस सेम दिखाई दे रहा है, 860 रुपये 50 पैसे। आप इस तरह से आसानी से गैस प्राइस चेक कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के सिलेंडर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ 5 kg का सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं जो कि 505 रुपये 50 पैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे प्राइस, आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियो आपको बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे, नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय।